तो जैन भाई आप सब स्वागत है आप सबको लेकर आऊँ हेड बी एस एफ ट्रेडमैन का फिजिकल सेंटर जो आपका हेड क्वार्टर पर बी एस एफ कैंप रानी राधाबाड़ी में है। जिन भाई का सेंटर जलपाईगुड़ी राधाबाड़ी पर आए इस अंदर पर देख लीजिए हेड क्वार्टर पर बी एस एफ कैंप राधाबाड़ी सेंटर पर आए जिन भाइयों का फिजिकल वो पूरा जानकारी देखिएगा वहाँ पर कैसे पर रनिंग कराया जा रहा है किस पर रनिंग हो रहा है हाई चेस्ट कैसे नापा जा रहा है इंटरव्यू कितने बजे हो रही है और आपको कि किस में बच्चे बाहर हो रहे हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है टू जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखिए वीडियो स्क्रीन ना करें वीडियो को पूरा देखिएगा तभी जानकारी मिलेगा कि आपका रनिंग किस पर कराया जाएगा और बच्चे किस चीज़ में बाहर बच्चे हो रहे हैं कैसा हाइट ना पा रहा है कैसे चेस्ट ना पा जा रहा है पूरा जानकारी आपको दिया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो स्क्रीन ना कर चलिए वीडियो में चलते हैं वीडियो रहते हैं अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसमें आपको फीस बी एस एफ ट्रेनमेंट का सभी जानकारी मिलता रहेगा और हर भर्ती का जानकारी भी मिलता रहेगा। चलिए तो आपको बता दूँ जिन भाई को मैंने देखिए मेरा देखिए 30 तारीख को था मेरा फिजिकल हो चुका है यहाँ पर तो आपको जानकारी दे रहा हूँ कैसे मैं फिजिकल हुआ मैं कैसे पास हुआ हूँ। तो चलिए तो देख लीजिए आप बता दूँ वहाँ पर आप राधाबाड़ी में देख लीजिए तो आपको जाने से पहले बता दूँ कि आप कहाँ उतरना पड़ेगा। देखिए कहीं से होंगे तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन उतरना पड़ेगा आपको जानकारी दे दूँ कि पहले आपको न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन उतरना पड़ेगा वहाँ से आपको टेम्पो वाले से बोलिएगा कि हमको बी एस एफ कैंप राधाबाड़ी जाना है 15 बटालियन बी एस एफ का राधाबाड़ी जाना है तो आपको वहाँ पर 50 रुपये लेंगे टेम्पो वाले आपको सेंटर पर एकदम सेंटर पर छोड़ देंगे वहाँ पर तो आपको सेंटर पर छोड़ देंगे 50 रुपये लेंगे तो सेंटर पर छोड़ देंगे तब तो आप वहाँ से आपका सेंटर में पास में रूम मिल जाए 100 रुपये का तो आप रूम ले लीजिएगा और खाने का भी व्यवस्था है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है खाने का तो थोड़ा खाने की दिक्कत हो रहा है तो आप खाने में कोई चिंता मत कीजिए आपको चावल मिलेगा वहाँ पर चावल दाल भात दाल चावल सभी मिलेगा आपको खाने को तो आप घर से भी खाना ले जा सकते कोई दिक्कत नहीं है घर से भी खाना ले जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर खाने के थोड़ा तकलीफ दिक्कत है थोड़ा तो आपको जानकारी हो गया होगा। और चलते हैं आपको कितने बजे इंटरव्यू देखे थे मेरा इंटरव्यू 7:30 मेरा इंटरव्यू 4:30 इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है तो मैं बता दूँ आपको इंटरव्यू कर लीजिए ऐसा नहीं है कि जो पहला लगेगा उसी का इंटरव्यू हो ऐसा नहीं है आपको रोल नंबर के हिसाब से इंटरव्यू हो रहा है। तो देखिए रोल नंबर जैसे 4 अंक दिया है कि जैसे यहाँ पर रोल नंबर दिया है 5524 दिया है इससे आपको 4 अंक बोला जाएगा लास्ट में 4 अंक लास्ट के बोला जाएगा वहीं इंटरव्यू हो रहा है आपको रोल नंबर के हिसाब से इंटरव्यू हो रहा है। उसके बाद आपको बता दूँ कि वहाँ पर दो बैच बन रहा है 110 के बैच बन रहा है तो मैं सेकंड बैच पर था तो आपको बता दूं कि पहला बैच 7 बजे तक रनिंग हो गया दूसरा बैच 8 बजे तक रनिंग हो गया दूसरा भी बैच भी समाप्त हो गया है रनिंग का। और मैं बता दूं कि रनिंग किस पर होता है देखिए मैं ट्रैक बता दूं रनिंग ट्रैक तो आपका रोड पर रनिंग कराया जा रहा है 1700 मीटर के एक चक्कर मारना है 1700 मीटर का एक चक्कर है 3 चक्कर आपका मारना है 100 मीटर पहले फिनिशिंग पॉइंट ट्रैक आपका तो आपको पता है रोड पर रनिंग हो रहा है ग्राउंड नहीं है रोड पर रनिंग कराया जा रहा है आपका आपको जाकर थोड़ा दूर जाकर 1700 मीटर का चक्कर है तो आपका रनिंग है रोड का है कोई ग्राउंड नहीं है ग्राउंड पर रनिंग रोड का रनिंग हो रहा है तो आपका ट्रैक आप खाली पैर भी रनिंग कर सकते हैं मैं जानकारी दूँ खाली पैर रनिंग कर सकते हैं। तो मैं बता दूँ डॉक्यूमेंट क्या लगा देखिए इंटरव्यू समय आपको कुछ नहीं लगेगा एक आधार कार्ड लगेगा और एडमिट कार्ड एक फोटो ले लीजिएगा जरूर एक फोटो जरूर आपको लग रहा है वहाँ पर और आधार कार्ड ले लीजिएगा ओरिजिनल आई के एडमिट कार्ड बस यही लग रहा है और कोई डॉक्यूमेंट आप ले लीजिएगा ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कोई डॉक्यूमेंट में कोई यहाँ पर कुछ बचे नहीं छत रहे हैं। और उसके बाद आपको इंट्री के बाद आपका हाई चेस्ट नंबर आ जा रहा है उसके बाद आपको हाई चेस्ट में फिट हो जाएंगे तो आपका चेस्ट नंबर दिया जाएगा चेस्ट नंबर देकर बैठा दिया जाएगा उसके बाद आपको रनिंग के लिए तैयारी किया बताएगा कि वहाँ पर आपको बताएगा वहाँ पर कितना चक्कर मारना है आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद आपको जगह जगह पर फौजी रहेंगे बताएंगे कितने मिनट इतने मिनट हो गया आप रनिंग कीजिए इतने चलिए इतने मिनट तक हो गया पानी पीने का भी व्यवस्था है वहाँ पर दिया है जगह जगह पर तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कुछ जानकारी लेना हो तो कमेंट करके कमेंट पूछ सकते हैं हमसे तो फिर जल्द चलते नेक्स्ट वीडियो भाइयों।